छवि जी भाभी, मैंने अपनी जयपुर वाली मैडम को तुम्हारी वेबसाइट देखने के लिए कहा था। उन्हें तुम्हारी ड्रेसेस बहुत पसंद आई है। उन्होंने 2-3 ड्रेसेस भी पसंद कर ली। ये इस पेपर पर ड्रेसेस का कोड नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस भी। वहां पर ये ड्रेसेस भिजवा देना जी। छवि, ये दवाई क्या हुआ तुम्हें? ट्यूब है, मेडिकल स्टोर से गलत ले आई थी, कल चेंज कर दूंगी। ये क्या है ये सब? तुम जाकर को जवाब दो छवि, क्या तुम बाकी से प्यार करती हो? बोलो छवि। हाँ भाभी, मुझे जाकर जी से प्यार हो गया है। बात हुई, इतनी घबराई हुई से क्यों है? थैंक गॉड भाभू ने कुछ नहीं सुना। भाभू आप परेशान मत हुई, ये छवि भी ना छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए हैं, इसकी मेहनत रंग ला रही है, फिर भी इसे लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। बस ऐसे ही परेशान हो रही है। सब ठीक हो, देखो चिंता क्यों कर रही? थारे साथ ना भरा पूरा परिवार है, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा थारे साथ रहे। तू चिंता क्यों करे, सब ठीक हो। दादी, दादी। रे मारा राम जी, रेटा मर आ गए। हाँ, मैं जाऊं। मीनू, समझाए से। हाँ, चिंता मना कर छोरी। रे आ रही हूँ। अभी बाबू को अपने मन की बात बता क्यों नहीं देती? तो खुद चाहती है कि तुम जल्दी से दूसरी शादी करो। नहीं भाभी, अब जानती है भाभू को, मेरा और जाकिर जी का रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगी वो। और देखिए ना, हमारे तो धर्म भी अलग अलग है। संस्कृति का नहीं है तो क्या हुआ छवि? भाभू जाकिर को एक अच्छे इंसान के रूप में तो बहुत पसंद करती है, और अपने तुझे ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा। मुझे लगता है कि हमें भाभू से बात करनी चाहिए। नहीं भाभी, प्लीज आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। ये बात अगर किसी को भी मालूम पड़ी ना तो घर में बेकार की टेंशन फैल जाएगी। भाभी आप भूल जाइए कि आपने कुछ भी देखा या आप कुछ भी जानती हैं। हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। भाभू, मैं क्या कह रहा था कि जाकिर जी को बहुत दिन हो गए इस घर में रहते हुए, अब तो उनका क्वार्टर भी खाली हो गया, तो मेरे ख्याल से उन्हें शिफ्ट कर जाना चाहिए। क्यों? थारे को जाकिर जी से क्या तकलीफ हो रही? थारे को तो जाकिर जी की रोटियां बेलने के लिए ना कहूँ ना, फिर क्या बात? अरे भाबो, ऐसी बात नहीं है। तो क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारे घर में भाऊ बेटियां हैं। तो? और ऐसे में राय मर्द का, वो भी कुवारे मर्द का हमारे घर में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। चुप कर, बकवास की जा रही।
जाकर जी के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत क्या हुई तेरे को? शर्म लाई तेरे को? तो मैं जाकर जी ने सूरज से अलग ना समझो, और वो भी इस घर में अपना समझे, पराया ना समझे। ये ऐसे मन में दबाए रखने से क्या फायदा? हमें बात तो करनी पड़ेगी ना भाभो से। मुझे पूरा विश्वास है भाभो ना नहीं कहेंगे। चलो, वो तू तो पूरा ही मान गई। मैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो मैं मानता हूँ कि जाकिर जी भी तेरे लिए सूरज भैया जैसे ही है, अलग नहीं है। पर भाभो जरा सोच, उनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन खान पान हमसे बिल्कुल अलग है भाभो। इसलिए कह रहा था भाभो कि उनका इस घर में रहना ठीक नहीं होगा। क्यों? जाकिर जी ने मैं कोई घर को दामाद बनाने चाहिए हूँ, और वो कौन सा जीवन भर इस घर में रहने वाले? दो चार दिन के वास्ते आए हैं, फिर अपने घर आ चले जाएंगे। और तू जिस संस्कृति की बात करे ना, दो चार दिन से हमारी संस्कृति में ना कोई फर्क ना पड़े। बात करें जैसे जैसे तुझे ठीक लगे। भाभी देखा, भाभी को हम पर कितना विश्वास है। उनको अगर इस बात के बारे में कुछ भी मालूम पड़ा ना, तो सहन नहीं कर पाएंगे। जेठानी जी, अरे अच्छा वो यही मिल गई। और मैं क्या कह रही थी, वो कल ना जेठ जी का वो मैच है ना कबड्डी का, तो वो अच्छी वाली टिकट मंगवा लीजिएगा। वो आगे बैठने का अलग ही मजा है, वो बड़ी स्क्रीन में दिखते हैं ना, तो अच्छा सरल लगता है। नहीं, कोई जरूरत को नहीं मंगाने की। इस बार ना सूरज की मैच देखने के लिए ना इस घर से कोई को नहीं जावे। हाय हाय, क्यों बाबू? बाबू टिकट के पीछे थोड़े ना लगते हैं, मुफ्त आ रही है, और एसी पीसी टीसी में रहने का मजा अलग है। वो मैं तो ना बात पीसे की कोनी। फिर पिछली बार सूरज की मैच देखने के लिए ना घर से पूरा परिवार गया था, और मारे छोरे ने ना हार को मुंह देखना पड़े। हाँ, गड्ढा तो खा गए थे। मारे मन में बहम बैठ गया है, इस बार हम उसका मैच देखने के लिए ना जाएंगे। कहीं फिर मारे छोरे ने हार का मुंह ना देखना पड़े। भावो, हार जीत तो खेल का नियम है, ऐसे में किसी वहम या अंधविश्वास की क्या जगह। बेटा, आप सबके जाने से तो सूरज जी को और ताकत मिलती है, वो और अच्छा खेलेंगे। भावो, माँ बाप के आशीर्वाद से तो बच्चे हारी हुई लड़ाई जीत जाते हैं, हारते नहीं है। देख बेनी, जिद मना कर मारे सब, और टाबर के लिए आशीर्वाद ना हमेशा बना है और हमेशा रहेगा। ठीक है, एक काम कर, तू सब टाबरा ने लेकर के ना मैच देखने के लिए चली जा, मैं और थारा बाबा सा नहीं आएंगे। बाबा, मैं भी तो टाबर हूँ। बताए मार, जा जाकर थारो काम कर। पर भाबो, कह दिया ना एक बार, नहीं जाएंगे मतलब ना जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो कबड्डी हम नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे तो ठीक है। कल भाबो बाबा सा नहीं पहुंचे तो मैं क्या जवाब दूंगी सूरज जी को? ये संतोष बिना बताए इकट्ठी चली गई। ये टोरूम का दरवाजा क्यों खुला है? संतोष, ये सूरज की कर्ची वापस क्यों निकाली तूने? संतोष, माँ का दिल घबरा रहा है ना,
और अगर आज सूरज ना जीत पाएगा तो उसके साथ साथ उसके सपने भी हार जाएंगे, और ये करची तुझे फिर से उसे पकड़ानी पड़ेगी जो कई साल पहले पकड़ाई थी। यही सोच रही मैं संतोष। तू संतोष अबो देख देख अपने लाडले पोते को क्या कर रहा था। के पूछ इससे के कर रहे तो छोरा तू देखा भाव देखा अपनी आंखों से। बोला था तुझे मैं, लेकिन तूने तो सुन के भी अनसुना कर दिया। जाकिर जी की तरह नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा था भाभो मैं जाकिर जी को इस घर में और नहीं रखना चाहिए हमें, लेकिन तू तो मानती नहीं। दादी मैं क्या गलत कर रहा था? मैं तो ताऊ जी की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था, और हमारे टीचर जी कहते हैं कि हर भगवान एक होते हैं, तो ये ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो या फिर ऐसे बैठ कर, क्या फर्क पड़ता है दादी? वाह मोहित भैया, बहुत धर्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बातें आपको तब याद नहीं आई थी जब शादी कर रहे थे आप? इमली भाभी कृष्ण थी, लेकिन उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, क्योंकि आप प्यार में थे। चबी बकवास बंद कर अपनी, वो भाभो की मजबूरी थी जो इमली घर में आई। संध्या भाभी अगर पीछे ना पड़ी होती तो शर्म करो छोरा, शर्म करो, वो हमारी मजबूरी ना थी। तो अच्छी तरीके से जाने कि उसकी वजह क्या थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।